हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ चोंगे। कोकनी डेलिकेसी है, नाश्ते में खाते हैं। इसके लिए मैंने ली हूँ 250 ग्राम गुड़ और उसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ और उसको पकने रख दीजिए। अच्छा, गुड़ मेल्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पकाना है, खाली गुड़ मेल्ट करना है। एक बॉईल में बंद कर दीजिए और ठंडा कर दीजिए। अब 1 चम्मच घी गरम कीजिए। अब एक बर्तन में 1/2 किलो रवा, थोड़ा नमक और इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसमें घी ऐड कीजिए हल्का ठंडा होने तक और अच्छा मिक्स कीजिए। पहले दो अंडे ऐसे बीच में गोल करके ही बनाइएगा। अंडा एक साथ में मिक्स कर देंगे तो फिर गुटलियाँ बन जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अंडा मिक्स करना है, रवा अंदर ऐड करते जाना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा लेके करना है, बाद में लास्ट में पूरा कीजिए, क्योंकि ऐसे लम्स पड़ जाते हैं उसमें। फिर लम्स अगर है तो उसको मैश कीजिए, उसके बाद गुड़ ऐड कीजिए। गुड़ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। मैं गलती से ऐड कर दी थी सब, लेकिन मिक्स करते वक्त मैंने थोड़ा थोड़ा गुड़ लेकर ही मिक्स किया है। अच्छा मिक्स कीजिए इसको, जैसे आटा गूंथते वैसे, और उसको पैक करके रख दीजिए रात भर के लिए। मॉर्निंग में उसको लेके अच्छे से गूनिए। अगर रवा एकदम बारीक है तो आपका आटा ऐसे ही बन जाएगा। ये मेरा थोड़ा मोटा था तो मेरा आटा बना नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करके एक डो बनाया था। उसका डो बनाना होता है। रवे पर डिपेंड करता है, अगर आपका रवा रात भर भीग के डो बन जाता है आपका मैश करने में तो अच्छा है, अगर नहीं बन रहा है तो उसमें व्हीट फ्लोर ऐड कर दीजिए। गेहूं का आटा ऐड कीजिए और अच्छा डो बना दीजिए, जैसा आटा गूंथते हैं हम लोग रोटी के लिए वैसा। ये देखिए, अभी डो बन गया है उसका। इसको रात में भीगते रखना पड़ता है और सुबह में बनाना पड़ता है। ये देखिए, छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। थोड़ा सा ग्रीस कीजिए बॉल्स को और बेलिए। चोंगे का एक ये आता है साचा मोल्ड, उस पर बनाते हैं। मेरे पास था नहीं तो मेरे पास ये फॉन्डेंट का मिल गया था, तो मैंने उससे ये करा है, डिज़ाइन बनाया। इंडिया में इसका साचा है हम लोग के पास लकड़े का, जैसे ये नीचे चौकी है वैसी छोटा सा साचा रहता है डिज़ाइन वाला, उस पर बनाना होता है तेल ग्रीस करके। देखिए, सब अलग अलग डिज़ाइंस के फॉन्डेंट के डिज़ाइंस मिले थे उससे बनाई। और तेल गरम करने के बाद इसको फ्राई कर दीजिए। ये देखिए रेडी हो गया, संभाल के कीजिएगा टूट जाते जल्दी से। कुकीज़ टाइप बनते हैं, बिस्किट्स टाइप, नाश्ते के लिए बहुत अच्छे हैं, टिफ़िन के लिए भी अच्छे पड़ते हैं। ये देखिए, अलग अलग डिज़ाइंस के बनाई थी, क्रंची भी रहते, मज़ा आता है खाने में, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।